नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आईडी एग्जाम में। आज की जो क्लास है ये फिटर थ्योरी की है, आईटी सेकेंड ईयर वाले छात्रों के लिए। और जो मैंने पार्ट वन करवाया था क्लास का, उसमें मैंने आपको डिस्कशन करवाए थे, और आज की क्लास में जो आगे के क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। डियर एग्जाम से पहले आपका जो है, मैं सभी क्वेश्चन नेमी पैटर्न के आपको कंप्लीट करवा दूंगा। और ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट की क्लास को करता हूँ स्टार्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है 11वां नंबर का, कि किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशनल एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है। यानी क्वेश्चन का कहने का मतलब कि सबसे अधिक एक्यूरेसी की जो डायमेंशन है वो हम किससे प्राप्त कर सकते हैं, सबसे अधिक एक्यूरेसी की जो डायमेंशन हम किससे प्राप्त करेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो उसको बोलते हैं भैया हम लैपिंग। लैपिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अधिक एक्यूरेसी की जो है डायमेंशन प्राप्त कर सकते हैं, इसकी डिग्री हाई होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो लोग लगा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आता है 12वां नंबर का, किस अपघर्षक एब्रेसिव का उपयोग नरम इस्पात और एलॉय धातु के लैपिंग के लिए किया जाता है ना? तो ध्यान रखना, जो उपयोग होता है उसको बोलते हैं फ्यूज्ड एल्यूमिना। किसका यूज होता है? फ्यूज्ड एल्यूमिनियम का। और सिलिकॉन कार्बाइड का यूज होता है हार्ड स्टील या फिर हार्ड कास्ट स्टील में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो 13वां नंबर सवाल आता है कि लैपिंग प्लेट के सतह पर ग्रुवेस क्यों प्रदान किए जाते हैं। तो ग्रुवेस प्रदान करने के कारण होता है, ये क्या करता है, अपघर्षक को पकड़े रखता है। क्या करता है? अपघर्षक को पकड़े रखता है ना? तो ऑप्शन विस्तार की अनुमति दे ये भी नहीं होगा, क्लियरेंस प्रदान का ये भी नहीं होगा, और ये सही जाएगा, अपघर्षक को बनाए रखने, चाहे तो बनाए रखने हो पकड़े हो, ऑप्शन आप लोग लगाओगे यानी कि सी ऑप्शन आप लोग का इसमें सही आंसर चला जाएगा। सही है, चलो 14 नंबर सवाल आता है कि सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है। देखो, सरफेस हार्डनिंग उसे बोलते हैं, अगर हम बात करूं किसी भी पदार्थ की ऊपरी सतह को, यानी कि किसी भी पदार्थ की ऊपरी सतह को हार्ड करने की जो विधि होती है उसे हार्डनिंग कहते हैं, सरफेस हार्डनिंग, यानी कि ऊपर से परत को हार्ड करना। अभी पूछ रहा है कि सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है, ये सवाल भी तो आपसे पूछा है। अब देखो, विधि के बारे में डियर पूछा है, तो यानी कि इसको हम बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी वस्तु रखी हो, ठीक है, वो तो झुकी तो रहेगी, बस हम बाहरी तरफ से क्या कर देते हैं, इसको हार्डनिंग प्रदान कर देते हैं, है ना? तो ऊपरी सतह तो वही है, तो जाहिर सी बात है इसका जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा पैक कार्बोशिंग। क्या जाएगा? पैक कार्बोशिंग, यानी कि इसको कोई भी, हमारे पास एक किस्म से मान सकते हैं जॉब वगैरह, कोई भी जैसे मेटल को हार्डनिंग प्रदान करनी है तो उसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो बस वही, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि पैक कर देंगे उसको, और ये क्या है, पैक कार्बोशिंग, यानी कि बी ऑप्शन आप लोगों का इसमें सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए सवाल आता है आपके सामने, सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है। अब देखिए, ये जो है आपको यहाँ पर आग की लपटें दिख रही होंगी, ये आग है, ठीक है, यहाँ पर ये कोयल लगी हुई है दो, ये पूछ रहा है कि सरफेस हार्डनिंग, इस हार्डनिंग विधि को क्या बोलेंगे। तो डियर, अगर हम बात करें तो यहाँ पर आग है, तो इसको हम बोलेंगे, अगर हम इसका सही आंसर की ओर जाएं तो इसको बोलेंगे हम यहाँ पर फ्लेम हार्डनिंग, है ना? आग के द्वारा क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आग के द्वारा क्या हो रहा है, जॉब को कार्बन प्रदान किया जा रहा है ना? तो आग के द्वारा करते हैं जॉब को कार्बन प्रदान, इसे क्या बोलते हैं हम, फ्लेम हार्डनिंग। क्या बोलेंगे? फ्लेम हार्डनिंग। 1% मान लो अगर यहाँ पर आग ना हो, अगर ये सिर्फ जुगातू हो, तो उसको बोलेंगे हम इंडक्शन हार्डनिंग। कैसे बोलेंगे? इंडक्शन हार्डनिंग। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका जाएगा यहाँ पर सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला आता है आपके सामने, देखिए यहाँ पर 16वां नंबर सवाल है, कहने का मतलब है कि 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम क्या है, ये सवाल आपसे पूछा है। तो इस सवाल का जवाब आपको देना है। तो अगर हम राइट आंसर की बात करें तो उसको बोलते हैं भैया हम टेम्परिंग। क्या बोलते हैं? यानी कि 400 डिग्री सेल्सियस हमने क्या किया, उसको कम से गर्म किया और फिर वापस ठंडा करेंगे, यानी गर्म करेंगे फिर वापस ठंडा करेंगे, तो इस प्रकार की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, है ना? इस प्रक्रिया के क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं यहाँ पर हम टेम्परिंग। ठीक है, क्या बोलेंगे यहाँ पर, टेम्परिंग हम बोलेंगे। सही है, चलिए अगला सवाल, अगला क्वेश्चन आपके सामने 17वें नंबर का, कि स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है। स्टील जो होती है उसमें टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है, आपसे पूछा है।
तो इसका जो सही आंसर आता डियर क्यों की जाती है, क्योंकि वो कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए। क्यों? कठोरता और टफनेस को, है ना, जो उसकी हार्डनेस है ना, और जो थॉटनेस है उसको क्या करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर जो जाएगा यहाँ पर डी आंसर चला जाएगा आपका। 18 नंबर सवाल आता है कि स्टील में एनलिंग का उद्देश्य क्या होता है। एनलिंग क्या होता है? यदि कोई जॉब है मान लो और वह 20 से मुड़ जाए, ठीक है, कोई जॉब है और क्या हो जाए, 20 से यहां पर मुड़ जाए, ठीक है, तो उसे फिनिशिंग हम अच्छी तरह से नहीं दे पाएंगे। भाई अगर कोई प्लान जॉब है और वो यहां से मुड़ गई हो, कट लग गया हो, तो अगर हम फिनिशिंग देना चाहेंगे उसको तो अच्छी तरह से फिनिशिंग नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो जॉब में क्या आ जाएगा? स्ट्रेस, है ना, तो स्ट्रेस क्या आ जाएगा उसमें, क्या आ जाएगा भाई, एक किस्म से तनाव आ जाएगा जॉब में। क्या आ जाएगा? तनाव, स्ट्रेस आ जाएगा एक किस्म से। तो इस तनाव स्ट्रेस को दूर करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है यहां पर? एनलिंग कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? एनलिंग, यानी कि क्या करता है, स्ट्रेस को दूर करता है। तो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सी आंसर जाएगा, आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए, ठीक है। चलो पूछ रहा है इस की का नाम क्या है, ये आपको की दी गई है, इस की का आपको नाम बताना। डायग्राम वाले जितने भी क्वेश्चन है आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो ये है हमारी फ्लैट सैडल की, क्या बोलेंगे इसको, फ्लैट सैडल की, क्लियर है। 20वां क्वेश्चन आता है आपके सामने, देखिए आपको दे रखा है कुंजी का उद्देश्य क्या होता है, की का उद्देश्य क्या होता है। तो सपोज करो मेरे पास एक ध्यान से देखना, मेरे पास ये, तो मेरे पास होगी पुल्ली, एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं, मेरे पास ये पुल्ली है और ये क्या है बीच में, यहां पर शाफ्ट है। अगर मैं इसको किसी भी चीज से कनेक्ट ना करूं इस पुल्ली को, ठीक है, और इस शाफ्ट शाफ्ट को मैं वैसे ही घुमाऊं, ये शाफ्ट घूम रही है और जो ये पुल्ली है बाहर की, ये किसी भी चीज से, इस चीज से कनेक्ट ना हो, तो भैया क्या पुल्ली घूमेगी? नहीं घूमने की ना, क्योंकि अगर वो किसी चीज से कनेक्ट नहीं है तो पुल्ली थोड़ी घूम जाएगी, शाफ्ट घूमती रहेगी। लेकिन अगर मैं यहां पर एक की लगा दूं, आधी ऊपर आधी नीचे, जिससे क्या हो जाएगी, ये इससे कनेक्ट हो जाएगी, यानी कि जब ये शाफ्ट घूमेगी तो ये पुल्ली क्या, ये जो की है लगी है ना, इसमें टक्कर इसको भी ये रनिंग करवा देगी, इसको क्या कर देगी, घुमा देगी, है ना। तो यानी कि एक किस्म से इसको बल दे रही है, बल क्या होता है, किस्म में टॉर्क दे रही है। तो वही है कि टॉर्क को संचालित करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का इसमें सही आंसर चला जाएगा, ठीक है। तो डियर ये थे आज के 10 क्वेश्चन जो मैंने क्लास में कंप्लीट करवाए, बाकी जो अगली क्लास होगी उसमें 10 क्वेश्चन और कंप्लीट कर लेंगे। और इसका अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट लगाना है तो ऑनलाइन टेस्ट लगाने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, ठीक है, और इसकी पीडीएफ भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। या फिर ITIExamYT.net, ये गूगल क्रोम में सर्च कर लेना, ITIExamYT.net, अगर दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर YT.net पर आपको ये विजिट करना है, यहीं पर आपको ऑनलाइन टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे। चलिए इसी के साथ साथ फिर आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर दी एंड करता हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है, अब मिलता हूँ नेक्स्ट।